और तो YouTube ने कम्युनिटी टैब को लेकर दोस्तों एक अपडेट किया है, जिसमें कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे आप उस अपडेट को दोस्तों अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पर YouTube ने एडवांस फीचर्स दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा और कैसे आपको दोस्तों, अगर आप तक को अभी तक दोस्तों नहीं भी मिला है तो दोस्तों आपको कैसे लेना है वो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही दोस्तों आप सभी को पता है कि YouTube ने पहले 500 सब्सक्राइबर पर कम्युनिटी टैब कर दिया था, जो कि पहले 1000 सब्सक्राइबर पर मिलता था, लेकिन फिर ये 500 सब्सक्राइबर पर मिला, लेकिन अब दोस्तों ये 0 सब्सक्राइबर वाले को भी आपको देखने को मिल जाएगा। आज से कुछ टाइम पहले भी दोस्तों ये यहाँ पर 10 सब्सक्राइबर जिसके है 20 सब्सक्राइबर है किसी किसी को देखने को मिल रहा था, जो कि दोस्तों एक्सपेरिमेंट चल रहा था, लेकिन अब ये दोस्तों 0 सब्सक्राइबर पर हो गया है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस आपको फॉलो करनी होगी, जो कि दोस्तों आपको वहाँ पर वेरिफिकेशन करना होगा। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर ये शो होगा और दोस्तों आपको क्या करना है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि दोस्तों आपका चैनल है वहां पर आप ओपन करते हैं तो आपको या तो दोस्तों कम्युनिटी का ऑप्शन मिल ही नहीं रहा होगा। अगर दोस्तों आपको मिला हुआ है तो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, वेरीफाई योर चैनल टू यहाँ पर दोस्तों गेन एक्सेस टू पोस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर करना है, जो कि दोस्तों वेरिफिकेशन हमें यहाँ पर करना है। जैसे ही दोस्तों वेरिफिकेशन के लिए हम प्लस के निशान पर जाते हैं, यहाँ पर आप क्रिएटिव पोस्ट पर जाना है दोस्तों आपको। जैसे ही आप क्रिएटिव पोस्ट पर जाओगे तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें दोस्तों लिखा हुआ है वन टाइम वेरिफिकेशन नीड। अब दोस्तों यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रखे हैं, यूज वीडियो वेरिफिकेशन, यूज योर वैलिड आईडी, यूज दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्ड चैनल हिस्ट्री। तो दोस्तों यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें दो ऑप्शन में दोस्तों आपका 24 घंटे के अंदर दोस्तों ये अपडेट हो जाएगा, दोस्तों आपको कम्युनिटी टैब का ऑप्शन मिल जाएगा, और एक में दोस्तों 2 मंथ के बाद मिलेगा। अब दोस्तों जो हमारा यूज ये वीडियो है, इसमें आपको एक वीडियो बनाकर डालनी है, यूज योर वैलिड आईडी है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस आपको डाल के वेरीफाई कर देना है। जैसे कि दोस्तों यूज वीडियो वेरीफिकेशन में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे कि हम इस पर दोस्तों नेक्स्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि दोस्तों आपका जैसे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वगैरह मांगेगा। अब दोस्तों वहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे दोस्तों तो उसमें क्या है कि वह आपका टैक्स आएगा, मतलब या तो दोस्तों आपको ओटीपी मिलेगा, वो ओटीपी आपको वहां पर डाल देना है। और दोस्तों वहां पर आपको फेस का वीडियो बनाने के लिए दोस्तों ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि दोस्तों 30 सेकंड की आपकी वीडियो होगी, तो दोस्तों वो आपको यहां पर बना देनी है और आपका यहां पर रिव्यू में चला जाएगा। अगर दोस्तों आप उसके द्वारा नहीं करते हैं, आप यहां पर दूसरे नंबर के द्वारा करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको फिर से दोस्तों बैक पर जाना है और दोस्तों वहां पर प्लस के निशान पर क्रिएटिव पोस्ट पर पहुंच के वहां पर दोस्तों आपको दूसरा वाला नंबर चॉइस कर लेना है। और दूसरा नंबर जैसे आप चॉइस करोगे यहाँ पर आपको दोस्तों मांगेगा या तो पासपोर्ट मांगेगा या दोस्तों आप वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, दो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। हाँ यहाँ पर दोस्तों आपको आधार कार्ड वगैरह यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस तरीके से दोस्तों आपको अपने पासपोर्ट या दोस्तों अपने जो दोस्तों आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसको दोस्तों सही पोस्टर खींच के दोस्तों उसे अपलोड कर देना है, आपका रिव्यू में चला जाएगा और दोस्तों आपको कम्युनिटी टैब का ऑप्शन मिल जाएगा। या अगर दोस्तों आपको तीसरा ऑप्शन नहीं देखना है तो दोस्तों आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको 2 मंथ के अंदर जैसे आप वीडियो वहाँ पर अपलोड करोगे तो आपको दोस्तों कम्युनिटी टैब का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।